अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं अपने चैनल खाना विद रुखसाना में आपको बहुत खुशामदीद कहती हूँ, एक बार फिर कहती हूँ खुशामदीद। तो हमेशा खुश रहें। आज फिर एक बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो रेसिपी का नाम क्या है जी? चिकन पेंसिल कबाब। इंशाल्लाह ताला आपने फ़र्स्ट टाइम सुने होंगे ये। तो इनके लिए हमें चीज़ें क्या क्या दरकार हैं। सबसे पहले एक पाव मैंने चिकन जो है बोनलेस ले लिया, उसके क्यूब काट लिए। आधा चम्मच मैंने एक प्याज ले लिया, चूँकि हमारे पास चिकन की मकदार कम है तो मैंने एक ही प्याज को काट लिया। देखें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बारीक नहीं है, बस नॉर्मल है। अब देखें 3-4 लहसुन है और थोड़ा सा अदरक है, इसी तरह धनिया है, अगर धनिया ना हो पुदीना डाल लें। 3 हरी मिर्चें काट लिए, साबुत धनिया है 1/4 हिस्सा चम्मच का, और आधा चम्मच जो है वो उसका पाउडर है साबुत धनिए का और ज़ीरे का। अब 1/4 हिस्सा हमने नमक का डाल लिया है, 1/4 हिस्सा हल्दी डाल ली है। अब आधा चम्मच सुरख मिर्च है पिसी हुई और 1/4 हिस्सा है कुटी हुई। और साथ ही हमारे पास ये हैं जी स्टिक्स, ये मैंने आपको दिखाने थे इसीलिए रखे हैं। ये जो वुडन स्क्यूज होते हैं ये आपने 4 ले लेने हैं, ये देखें, और इसके ऊपर आपने थ्रेड को रैप कर लेना है। ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह रैप करने के बाद आपने फॉइल पेपर को इस फॉर्म में काट लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने ऐसे थोड़ों से साइडों से इसको छोड़ रहे हैं, ये देखें, और इसको इसी तरह रैप कर लेना है। बिस्मिल्लाह, ऐसे रैप करने के बाद नीटली रैप कीजिएगा आप इसको। आपने, मैं आपको सिर्फ जस्ट दिखा रही हूँ, आपने इसको नीटली रैप करके तो साइडों से एजिस को आपने ऐसे फोल्ड कर देना है और आपने इस फॉर्म में ये बना लेने हैं। ये देखें, ये मैंने बना दिए हैं, आपको मैंने गाइड कर दिया है, आप इसको बना के रख लें। और जैसे ही कोई ऐसी रेसिपी हो, सीख कबाब हो आपके पास, मलाई कबाब हो, कुछ भी हो, तो आप इनका फॉइल पेपर चेंज कर दीजिएगा ताकि उसमें जर्म्स ना आए, हमेशा उसको चेंज कर लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल लेनी है चिकन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर डाल देनी है और हमने मशीन में इसको अच्छी तरह फूड प्रोसेसर में चॉप कर लेना है। तो अभी आपको सारा हम चॉप करके दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, कितना हमारा बारीक हो गया सारा मटेरियल, ये देखिए अच्छी तरह हो गया। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमने ऐसे करना है, इसको एक कटोरी छोटी सी ले लेनी है और उसके वो हमने कोयले को आपके साथ सुलगा लेना है। ये देखें, अब इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा कुछ कतरे ऑयल के डाल लें। ये देखें, ये देखें, अब इसको हमने ऊपर से कवर कर देना, तो ये हमारे बनेंगे स्मोकी पेंसिल कबाब। देखिए व्यूअर्स, हमारा माशाल्लाह स्मोक हो गया, इसको स्मोकी बन गए। अब इसमें पूरा अच्छी तरह जब आप स्मेल लेंगे तो आपको आएगी। हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस फॉर्म में हमने लेना है और ये हमने स्टिक्स लेनी है और स्टिक्स के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब हमने इसको पेंसिल की फॉर्म में बिल्कुल पतले पतले से कबाब बना लेने हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारे कितने अच्छे बन गए हैं, इससे भी लॉन्ग वे में बन जाएंगे। अब हमने ये सारे बना के तकरीबन फ्रीज़र में रख देने हैं 20 से 25 मिनट के लिए, तो फिर हम इसको आगे आपको दिखाएंगे। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारे कितने अच्छे पेंसिल जो हैं स्मोकी कबाब रेडी हैं। अब ये मैंने फ्रीज़र में रखे थे, मैंने आपको बताया था, इनको आपने 15-20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना। अब हमने ये ऑयल डाल दिया है, इसके लिए बड़ा पैन लेना है क्योंकि इनकी लेंथ बड़ी है। तो अब माशाल्लाह हम इनको फ्राई करने के लिए डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपको बहुत ही अच्छा, अब देखें, अब ये स्टेबल हो गए हैं। अब देखें, अब हमने इसको ऐसे फिंगर्स की मदद से इस पर थोड़ी सी हमने डिज़ाइनिंग कर लेनी है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी ये बहुत पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखें। इसी तरह आपने इसी फॉर्मेशन में बना लेने हैं और ये कबाब आप काफ़ी देर तक बना के रख सकते हैं फ्रीज़र में। देखें व्यूअर्स, हमारे पेंसिल कबाब जो हैं पेंसिल फॉर्मेशन में आपको नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह कितने अच्छे हो गए हैं। अब जैसे ये थोड़े से ब्राउन होते हैं हम इनको पलट लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारे पेंसिल जो हैं स्मोकी कबाब कितने अच्छे रेडी हो रहे हैं। तो इसी तरह हमने इसकी तरह करके जैसे ये है तो हमने सारे फ्राई कर लेने हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हमारे रेडी हो रहे हैं।
अब ये इधर देखिएगा, इनके साथ पुदीने की चटनी मैंने बना ली है। अब इसमें ये देखें घर का ही बना हुआ दही, जो जिसकी रेसिपी आपके पास आ चुकी है उसको भी प्लीज़ देखिएगा। अब हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है, ये इसको हमने सारे मिक्स कर लेना है। और आप देखिएगा कबाबों के साथ इसका टेस्ट जो है इंतहा लजीज होगा, बनाएँ और खाएँ और इसी फॉर्मेशन में बनाते जाएँ। मेरी पुरानी वीडियो को भी प्लीज़ देखते जाएँ। देखिए व्यूअर्स, हमारे माशाल्लाह कबाब तकरीबन रेडी हो गए। और इस तरह आपने हिलाते रहना है और ध्यान से और चारों तरफ से इनको आपने पका लेना है ऐसे करके। ये देखिए माशाल्लाह, चलें आपको अभी ये सारे हो जाते हैं तो डिश आउट करके दिखाते हैं। कबाब हमने निकाल लिए हैं पैन से, तो अब हम इनको आपको डेकोरेट करके दिखाते हैं। जी देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है करम है। देखें कितने अच्छे हमारे स्मोकी पेंसिल जो हैं कबाब, चिकन कबाब रेडी हैं। और आप इनको जब खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और बिल्कुल यूनिक फॉर्म में है, आप इसकी शेप्स देखें, बिल्कुल पेंसिल फॉर्म में मैंने बनाई है। और ये जो स्टिक्स हैं आपने इसी तरह रख लेनी है, इसके ऊपर से फॉइल पेपर उतार लेना है और न्यूली लगाना है जब भी आपने कुछ बनाना है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को पूरा देखें ताकि आपको सारे स्टेप समझ आए, और ज़रूर बनाइएगा। तो इजाज़त लेती हूँ, ज़िंदगी रही सेहत रही, तो दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैरन, बारकल्लाहु लका, या हलिका व बालिका।